अभी सुबह ही मैंने सोशल मीडिया खोली तो कहीं एमपी की घटना है, तो आप सोचिए कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, मतलब किस मानवता, किस इंसानियत की तरह हम बढ़ रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने हमेशा बोला है ना कि हमारी भारत रहेगा, भारत को कोई नुकसान नहीं, कभी भी नहीं, लेकिन भारत की जो असली आत्मा थी, भारत माता की जो एक तरह से आत्मा थी, वो हमारे कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी। मैंने हमेशा से जोर दिया है कि हमारी आर्ट एंड कल्चर, यानी कि हमारी जो संस्कृति रही है, उसे हमें अपनी किताबों में अपने बच्चों को शुरू से ही सिखाना चाहिए। देखिए, पैर बंधे हुए हैं और किसी ने इस घटना को अंजाम तो दिया होगा। शायद मैं उस दर्द को नहीं समझ सकता हूँ शायद, लेकिन फिर भी कुछ कविताएं, मतलब कुछ लाइनें लिखी इस पर, मतलब आप शायद हम भी नहीं समझ सकते हैं उस घटना को भी, उस परिवार पर क्या बीती होगी। लेकिन फिर भी आप लोग सोचिए कि उस बच्चे की माँ पर क्या गुजरी होगी, जो अपने बच्चे के शरीर को देखकर क्या, मतलब उसने सोचा होगा, कैसे रोई होगी। आप खुद सोचिए कि 9 महीने पेट में, मतलब अपने गर्भ में रखना, उसके बाद उसकी साल, 2 साल, 3 साल तक, मतलब कितनी अच्छी से परवरिश करना। वैसे तो आप जिंदगी निकल जाती है माँ की, अपने कलेजे से लगाने वाली माँ किस तरह सोई होगी बिना अपने बच्चे की। अब ये तो सोचिए आप लोग कि उस समय मतलब साथ में ही माँ के रहता होगा। उस बहन पर क्या गुजरी होगी जिसका लड़ना, फिर मना लेना, फिर लड़ना, फिर मना लेना। उस बहन पर उस समय क्या गुजरेगी जिस त्योहार पर आप देखते हैं कि एक बहन लड़ती है, फिर मतलब आप सोचिए भाई मना लेता है, बहन मना लेती है, तो उस बहन पर क्या गुजरेगी, क्या सोच के रोई होगी। उस पिता पर क्या गुजरेगी जो अपने बच्चे के लिए 2 वक्त टाइम निकाल पाता है। देखिए, कोई भी वो अपना 24 घंटा कुछ ना कुछ काम बच्चों की खुशी के लिए देता रहता है, फिर 2 वक्त निकाल के वो अपने बच्चे को देखता जरूर होगा, हर पिता, कोई भी पिता हो, उस पर क्या गुजरेगी। इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद उस पापी की, जिसने ये काम किया है, उसकी आत्मा भी रोई होगी। इसीलिए हमेशा से बोलता हूँ, अपने बच्चों को कुछ दीजिए मत दीजिए, क्योंकि हमारी जिंदगी, देखिए, 100 साल, हो सकता है कि आपकी साल 150 साल हो आपकी जिंदगी, लेकिन उसके बाद आप मरेंगे, तो क्या आप मतलब अपनी संतुष्टि के साथ मरेंगे। तो कम खाइए, कम पहनिए, गरीबी में रहिए, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को वो संस्कार जरूर दीजिए जो एक तरह के मानव के लिए जरूरी है, इंसानियत के लिए जरूरी है। और शायद मैं इस जगह, मतलब इस घटना पर, मतलब अपने आप को नहीं रख सक वो मतलब इसकी फील नहीं कर सकता हूँ, मतलब आप सोचिए, दर्द को इसको अनुभव नहीं कर सकता हूँ, हम आप में से कोई नहीं कर सकता है, उस परिवार की क्या पीड़ा होगी। आपको क्या लगता है कि ठीक है, आपने, जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया होगा, जो भी, ठीक है, कोई पुलिस वालों को देगा, कोई सरकार को, एक अलग बात है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया हो, उसने क्या उखाड़ा होगा। क्या ऐसे, मतलब आप सोचिए, अभी भी इंसानियत है, कुछ शब्द भी नहीं है मेरे पास इसके लिए, बोलने के लिए कुछ। अब यही कहूंगा कि परिवार को मतलब सहन शक्ति दे इतनी कि मतलब वो अपने आप को, इस दर्द को वैसे भूल पाना संभव होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऑप्शन भी तो नहीं है। लेकिन ऊपर वाले से बस इतना दुआ जरूर करता हूं कि जिसने भी इस घटना को दिया हो अंजाम, उसे वो सजा मिलनी चाहिए जिसमें कोई कमी ना हो। ठीक है, यहां बच जाए हो सकता है धरती पर, लेकिन ऊपर वाला भी है तो वो जरूर उसे सजा दे। बस इतना ही ऊपर वाले से दुआ करता हूँ।